What's up guys, मेरा नाम Bearcat है और आज हम करने जाने वाले हैं how to install Minecraft और RLCraft और ये सब चीज़ें और ये सब देखने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई RLCraft कैसे इंस्टॉल करते हैं, RLCraft क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और ये सारी चीज़ें। तो मैं बेसिकली ये टी लॉन्चर यूज़ करता हूँ। तो ये टी लॉन्चर क्या है, तो इधर जाओ, ओके, यूट्यूब बंद करता हूँ मैं। टी लॉन्चर का नाम है, डालो टी लॉन्चर, ओके। तो ये टी लॉन्चर का फर्स्ट साइड आएगी, उस पर क्लिक कर देना। तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने, तो ये साइड आएगी ये, ओके। तो इधर से डाउनलोड कर देना टी लॉन्चर, ओके। तो मैंने डाउनलोड कर दिया, तो मेरे को विंडो, मैक और लिनक्स के तीन ऑप्शन आएंगे। तो मैं विंडो का चूज़ करूँगा क्योंकि मेरा विंडोज़ है। सो ये लोड होगा और इधर देखो डाउनलोड हो रहा है टी लॉन्चर, राइट। तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टी लॉन्चर है। तो आपको इंस्टॉल तो करता आएगा, आपको नॉर्मल है। तो ये और एक चीज़, और मैं बोलूँगा कि आप टी लॉन्चर को ना अपना साइन इन अकाउंट कर लीजिए। तो मैं एग्जिट करता हूँ मेरा अकाउंट। तो आपका नॉर्मल अगर जब आप साइट ओपन करोगे तो आपका ऐसा होगा साइन अप और ये सब। तो आप साइन अप कर देना और आपका लॉगिन नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड पासवर्ड कंफर्म कर देना और आई एम नॉट रोबोट का टेस्ट भी दे देना और अपने आप हो जाता है वो। तो ये करने के बाद आपका अकाउंट साइन अप होगा, जैसे मैं अभी अपना करता हूँ। तो इसमें आप अपना अवतार डाल सकते हैं, मतलब अपलोड योर स्किन, और नहीं तो ये अपलोड आपकी कोई स्किन होगी तो आप स्किन और डाल देना, नहीं तो आपके पास स्किन नहीं होगी तो इसमें से बहुत सारे बहुत स्किन है भाई, बहुत स्किन है इसमें, कौन सी भी स्किन डाल देना और अपने आप चालू हो जाएगा। तो ये होने के बाद, ओके, ये होने के बाद टी लॉन्चर इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉलेशन इतना कुछ ये नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, टी लॉन्चर डालूंगा तो सीधा ये आ जाएगा, टी लॉन्चर माइनक्राफ्ट। टी लॉन्चर में जाएगा, फिर से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद फिर से विंडोज़ के करेंगे। ये डाउनलोड होने देता हूँ मैं पूरा। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ, वो पूरा नहीं दिखाऊंगा, ऑलमोस्ट हाफ स्टेप दिखाऊंगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो फिर से इंस्टॉल करने का कुछ ये नहीं ना, फिर से इंस्टॉल नहीं कर सकता बेसिकली टी लॉन्चर का। ये कंट्रोल एक्स, डेस्कटॉप पे लाता हूँ मैं, ओके, रिफ्रेश, और मैं सीधा न्यू फोल्डर इधर बनाऊंगा। तो इसमें टी लॉन्चर डालता हूँ, तो ये टी लॉन्चर का आपका ये आ जाएगा, आइकॉन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। इंस्टॉल कर दिया ना, ओके, रन करने के बाद कंटिन्यू, नहीं तो ये, ओके, कंटिन्यू करते जाने का एंड इंस्टॉल करते जाने का। इंस्टॉल करने के बाद आपका टी लॉन्चर इंस्टॉल हो जाएगा एंड बाद में आप इधर लॉगिन कर देना। टी लॉन्चर चालू होने से पहले आपका लॉगिन है क्या नहीं पूछेगा, तो अगर आपने लॉगिन किया होगा तो अच्छा है, लॉगिन नहीं किया होगा तो कुछ ऐसा टेंशन नहीं। इधर लॉगिन का रहता है कन्फर्म योर अकाउंट, तो ऐसे आएगा। तो ये इधर आपका ईमेल आईडी और जो यूज़र नेम है वो, यूज़र नेम नहीं तो ईमेल आईडी डाल देना और उधर पासवर्ड डाल देना। तो अभी मैं बेयरकैट पे हूँ, राइट, कैंसिल, भाग जाए इधर से, हाँ हो गया। तो हाँ, तो ये तो हो गया टी लॉन्चर कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ये है, देखो टी लॉन्चर में आप लेटेस्ट वर्जन है ये, और ये लेटेस्ट वर्जन माइनक्राफ्ट का है 1.14.4, राइट। देन और बहुत सारी चीज़ें हैं, ओपन ऑप्टिकल फाइन एक कुछ तो है, मतलब मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, फोर्ज भी है, तो ये भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। और RLCraft, आपको RLCraft खेलना है राइट, तो आप इसीलिए तो आए हो इधर। तो ये रहा RLCraft, इधर गया मेरा RLCraft, ये आप इधर गया, ये देख रहे हो RLCraft देख रहे हैं। तो RLCraft कैसे लाते हैं, इधर जाने का मॉड, TL मॉड्स में जाने का। तो ये देखिए इसका मॉड का आ गया। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे मॉड्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, मॉड पैक्स है जो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, मतलब आप Sky Factory 4 देख लीजिए, ये भी मॉड पैक पॉपुलर है, बहुत सारे मॉड पैक पॉपुलर है। तो अपन जानेंगे RLCraft पे। तो ये देखिए RLCraft आ गया शिवास्की का। तो सीधा इधर इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, देखो ना इधर नॉर्मल मॉड पैक पे कैसा इंस्टॉल का ऑप्शन रहता है। बैक करते हैं, फिर से जाते हैं, रुको, दिमाग खा रहा है मेरा, ठीक है। तो आपको RLCraft डाउनलोड करना है,
तो इस इधर जाने का, इधर आरएल क्राफ्ट डाइव करने का, ऐसा मैंने डाइव किया था। तो ये देखो आपको इधर इंस्टॉल का नाम आएगा, इंस्टॉल। अभी ये मेरे को मॉड पैक डालने का है तो मैं इधर इंस्टॉल करूँगा। तो आरएल क्राफ्ट मैंने डाउनलोड किया है, तो मेरे को ऐसा इंस्टॉल पे इधर इधर ऐसा बटन नहीं आएगा, आपको इधर ऐसा बटन आएगा, तो इंस्टॉल कर देना, तो वो सब कुछ डाउनलोड कर देगा। और वो सब डाउनलोड होने के बाद आपका आरएल क्राफ्ट आपके पास आ जाएगा। तो चालू कर देना फिर से एंड इधर सिलेक्ट कर देना सिर्फ आरएल क्राफ्ट। ओके, ये देख रहे हैं आरएल क्राफ्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ओके एंड एंटर कर देना, तो अपने आप आरएल क्राफ्ट चालू हो जाएगा। तो एंटर करने के पहले आपको ऐसा मैसेज आएगा, कुछ डरिए मत, ये कुछ नहीं है। तो ये क्या बता रहा है कि आपका जो लॉगिन है जो ओपन 5 5M से नहीं है, तो आपको आपकी जो स्किन है ना वो दिखेगी नहीं। तो उतना तो चलता है भाई, तो स्किन दिखनी नहीं दिखी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो ये मैंने चालू कर दिया अरेल क्राफ्ट को, तो थोड़ा लोड होगा। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल है, पीसी पीसी में फ्री में होगा, कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे माइनक्राफ्ट में, ओरिजिनल माइनक्राफ्ट में जो है वो सब, ये फोल्डर में जाओ, वो फोल्डर में जाओ और ये सब करो, इसमें कुछ नहीं है। सीधा ये देखो चालू हो गया। तो ऑप्शन देखो इसमें, मॉड्स में सब। हाँ, और आपको स्किन ये चाहिए होगा तो शेडर पैक में मैं ये शेडर यूज़ करता हूँ, V4 High शेडर इसके लिए। तो इस मॉड पैक में ऑलरेडी शेडर्स बहुत सारे हैं, तो वो यूज़ करिए। मैं शिवास्की का शेडर्स यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी है और रिकॉर्डिंग करने में बहुत टाइम लगता है। सो वो सीन है। तो ऐसे करते हैं इंस्टॉल पीसी में आरएल क्राफ्ट। ओके, और एक चीज़ है, आरएल क्राफ्ट की भी लिंक है, वो भी आप उधर से भी डाउनलोड करके आप फिर से फोल्डर में डाल के ये सब कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो, मैंने पिछली बार मतलब मैंने किया था, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ झंझट मारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो ठीक है, आपको अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना कंटेंट को। और मैं अपने चैनल पे आरएल क्राफ्ट के वीडियो डालता ही रहता हूँ, स्ट्रीम भी करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर कुछ डाउट्स हो गए तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, और मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बताने का होगा तो भी कमेंट में पूछ लेना। और मैं स्ट्रीम करता हूँ तो भी आ जाना स्ट्रीम पे, 10 बजे रात को स्ट्रीम करता हूँ मैं। ठीक है, पीस आउट, बाय बाय।